गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं। हम जो कल पढ़ रहे थे IPM के टूल्स हमने स्टार्ट किए थे। पहले हमने पढ़ा था, पहले आउटलाइन की बात कर रहे थे। आउटलाइन क्या होती है, कैसे किसी पेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक तो होता है नेचुरल कंट्रोल और एक होता है आर्टिफिशियल कंट्रोल। ठीक है, तो नेचुरल के बारे में हमने पढ़ लिया था, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है वो पढ़ लिया था। इसमें हम पढ़ रहे थे IPM के टूल्स। ठीक है, तो कल हमने फर्स्ट पढ़ा था IPM के टूल्स पढ़े थे, उसमें हमने कौन सा पढ़ा था, कल्चरल कंट्रोल, है ना। कल्चरल कंट्रोल के बारे में कल पढ़ा था। आज हम सेकंड IPM टूल्स की बात करेंगे। ठीक है, सेकंड IPM टूल्स की बात करेंगे, किसकी, मैकेनिकल कंट्रोल की। ठीक है, आज हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड वाला जो IPM का टूल्स है, मैकेनिकल कंट्रोल। अब मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, मैकेनिकल कंट्रोल को हिंदी में क्या बोलते हैं, यांत्रिक नियंत्रण। ठीक है, यांत्रिक, अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यांत्रिक का मतलब क्या होगा कि इसमें किसी न किसी हम क्या है जो युक्ति का यानी किसी यंत्र का यूज़ करेंगे जिसकी सहायता से हम क्या है पेस्ट को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, हिंदी में बोलते हैं इसको यांत्रिक नियंत्रण। एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो यंत्र है, ठीक है, कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिनको यूज़ करके हम क्या करते हैं, पेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक करके सबके बारे में। तो फर्स्ट इसमें है हमारा हैंड पिकिंग। ठीक है, फर्स्ट है हैंड पिकिंग। अब हैंड पिकिंग का मतलब क्या होता है, हैंड पिकिंग यानी कि क्या है, हाथ से पकड़ना, है ना। हैंड पिकिंग को क्या बोलते हैं, हाथ से पकड़ना, यानी कि जो पेस्ट है उसको हम क्या है, अगर हैंड पिकिंग, हाथ से पकड़ना पेस्ट को, है ना। अब हाथ से किसको पकड़ेंगे, जिनका बॉडी साइज होता है वो पेस्ट, जिनका बॉडी साइज बड़ा होता है तो उनको क्या है, हम डायरेक्ट हाथ से या फिर किसी चिमटी की सहायता से उनको पकड़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब ये जो पेस्ट है, ठीक है, क्या है इसका मतलब, हाथ से पकड़ना। अब इसके अंदर क्या है, कौन से पेस्ट आएंगे, तो मेनली जो लार्वल जो स्टेज होती है, जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर होता है उसकी लार्वल जो स्टेज होती है, यानी कि जो कैटरपिलर्स जो होती है, ठीक है, कैटरपिलर्स जो होती है, इनको क्या है हम हाथ से आसानी से पकड़ सकते हैं। क्या होगा, अब लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में जितने भी पेस्ट आते हैं उनकी क्या लार्वल स्टेज क्या होती है, कैटरपिलर, यानी कि इस प्रकार से देखने को मिलेगी आपको। अब ये जो फीड करते हैं, ठीक है, ये फीड करते हैं किसी प्लांट के ऊपर, तो इनको क्या है, हो सकता है एक एक करके फीड करे, हो सकता है ग्रुप में फीड करे। ठीक है, तो इनको यानी कि इनका बॉडी साइज थोड़ा बड़ा होता है, आसानी से हमें जो है नग्न आंखों से भी दिख जाती है, तो इनको हम आसानी से क्या है पकड़ सकते हैं। तो इनको पकड़ते हैं, इसको, ये जो सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग। ये किसके अंदर आता है, मैकेनिकल यानी यांत्रिक नियंत्रण के अंदर ही आता है। अब इसमें आप डायरेक्ट हाथ से भी पकड़ सकते हो या फिर किसी चिमटी की सहायता से। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम, सेकंड जो है इसमें वो है हैंड नेट। ठीक है, हैंड नेट्स या फिर इसको स्वीप नेट भी बोल देते हैं, हस्त जाल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हस्त जाल। अब इसमें क्या होता है, जो फ्लाई करने वाले इंसेक्ट होते हैं यानी कि जो उड़ने वाले कीट होते हैं, ठीक है, ठीक है, उनको क्या है आसानी से हम क्या है, जो भी जाल वगैरह होता है, स्वीप नेट जो होता है, आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे लेबोरेटरी में, हमने आपको बताया भी था, तो स्वीप नेट जो होते हैं ना, हाथ से ही नेट को पकड़ के क्या करते हैं हम, इंसेक्ट जो फ्लाई उड़ रहे होते हैं उनको आसानी से पकड़ सकते हैं। तो ये भी क्या है, मैकेनिकल का एक हिस्सा है। अब हस्तजाल देखा होगा आपने सबने, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि कैसा होता है। इस प्रकार का इसका जो वो है रहता है पकड़ने का, हत्था जो होता है, इस प्रकार एक रिंग होती है और इसके नीचे ऐसे क्या है, इस प्रकार का ये नेट होता है ना, ये कपड़े की जाली रहती है। अब इसको क्या है, ऐसे हम पकड़ के और ऐसे जो फ्लाई करने वाले इंसेक्ट होते हैं उनको पकड़ सकते हैं, वो क्या है इसके अंदर हो जाते हैं, फिर इसको यहाँ से बंद कर लेते हैं और इनको क्या है, किलिंग बोतल में डाल के इनको किल कर देते हैं या फिर डायरेक्ट भी किल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हैंड नेट। अब हैंड नेट से अगर बात करें तो कौन कौन से पेस्ट को हम पकड़ सकते हैं, तो एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, लोकस्ट जो है, टिड्डी जो है ना, ग्रास हॉपर जो है, ग्रास हॉपर्स, इनको भी पकड़ सकते हैं अपने। ठीक है, ग्रास हॉपर्स हो गए,
और इसके अलावा अगर और बात करें तो जो भी बटरफ्लाई और मोथ हैं, है ना, मोथ्स जो होते हैं या बटरफ्लाईज जो है, इनको आसानी से हम पकड़ सकते हैं नेट की सहायता से, ठीक है। तो इससे पकड़ के किल कर सकते हैं। सेकंड हो गया आपका ये। अब हम बात करेंगे थर्ड जो है मैकेनिकल बैरियर्स की, ठीक है। मैकेनिकल बैरियर मैकेनिकल बैरियर्स। अब बैरियर्स का मतलब क्या होता है, यानी कि अवरोधन पैदा करना। बैरियर्स का मतलब क्या होता है, वो डिवाइसेज जो रोकने के काम आती है उनको क्या बोलते हैं, बैरियर, ठीक है, अवरोधक जो होती है उनको। अब मैकेनिकल बैरियर्स के अंदर क्या क्या आएगी। अब सबसे पहले बैरियर का मतलब क्या है कि हमें जो भी पेस्ट है, ठीक है, जो भी इंसेक्ट है उसको हमारी क्रॉप तक है उसको पहुँचने से रोकना है, ठीक है, कि वो क्रॉप तक ना पहुंच पाए या उसके ऊपर डैमेज नहीं कर पाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल बैरियर। अब कौन कौन से बैरियर्स हैं, कौन कौन से अवरोधक हैं जिनको यूज़ करके हम पेस्ट जो है उसको मेन क्रॉप तक जाने से रोक सकते हैं, तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो इसके अंदर आता है, अगर हम बात करें फर्स्ट जो है तो वो है ट्री बेंडिंग, ठीक है, ट्री बेंडिंग। अब ट्री बेंडिंग क्या होता है कि मेनली जो यूज होता है, ये यूज होता है जो मैंगो के अंदर, ठीक है, मैंगो के अंदर जो मैंगो का एक पेस्ट होता है जो क्रॉवल करके, यानी कि रेंगते हुए क्या है, जो मैंगो का ट्री का ट्रंक जो होता है या फिर बात करें जो तना जो होता है उसके ऊपर चढ़ता है, ठीक है, उसको रोकने के लिए इसको काम में लिया जाता है, मैंगो मिलीबग को, ठीक है। अब मैंगो मिलीबग के क्या होते हैं, इसके जो निम्फ होंगे, ठीक है, जो निम्फ होंगे वो क्या करेंगे। अब मान लीजिए ये मैंगो का पेड़ है, ठीक है, ये मैंगो का जो है तना है, तो इसके जो क्रॉल्स होंगे मैंगो मिलीबग के, ये क्या है, यहाँ से रेंगते हुए, ऐसे रेंगते हुए इस प्लांट की सहायता से इसके ऊपर चढ़ते हैं और फिर जाके ऊपर जाके जितने भी क्या है, बात करें टहनियाँ या फिर जो भी लीव्स वगैरह होती है उसके ऊपर चिपक जाते हैं और वहाँ से क्या रस चूसते हैं उनका, या फल होते हैं फ्रूट के ऊपर भी। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अब ये फ्लाई तो करते नहीं है, तो इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो तना होता है इसके बाहर, ठीक है, ये जो तना जो होता है इसका, इस तने के बाहर ऐसे क्या करते हैं, कोई भी पॉलीथीन की सीट वगैरह से क्या है, ऐसे बेंड कर देंगे, यानी कि पॉलीथीन की सीट से क्या है इसको ढक देंगे, ऐसे पॉलीथीन की सीट लगा देंगे 1 या 2 मीटर तक की ऊंचाई तक। अब क्या होगा, ये क्रॉल्स जो इसके ऊपर से चढ़ेंगे, ठीक है, अब उसके उससे तो क्या है, इनको सपोर्ट मिलती रहती है क्योंकि वो थोड़ा रफ होता है स्टेम जो होता है। अब ये स्मूथ होता है, जो पॉलीथीन स्मूथ होगी तो इस पर वो क्या क्रॉवल्स करके चढ़ने में इनको दिक्कत आएगी और वापस नीचे गिर जाएंगे। अगर फिर भी हमें लगता है कि चढ़ सकते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ग्रीस वगैरह है ना, यानी कि ग्रीस जो है ग्रीस डाल देते हैं, थोड़ा सा ग्रीस लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि और ज़्यादा ये क्या है, थोड़ा सा चिकना हो जाता है, उससे क्या होगा, अब स्मूथ हो जाएगा, तो इससे फिर क्या है, जो क्रॉवल्स वगैरह जो होते हैं मिलीबग के, वो इसके ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्री बेंडिंग, ठीक है। मैंगो मिलीबग के लिए मोस्टली यूज ली जाती है, और भी बहुत सारे पेस्ट होते हैं, या फिर बात करें कोई भी पेस्ट जो इस प्रकार का डैमेज करता है उसको हम ऐसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्री बेंडिंग। अब फिर बात करेंगे इसके बाद, फिर बात करते हैं फेंसिंग की, ठीक है। सेकेंड आता है फेंसिंग। अब फेंसिंग का मतलब क्या होता है, फेंसिंग का मतलब होता है बाड़ लगाना। फेंसिंग का मतलब क्या होता है, बाड़ लगाना, ठीक है। अब बाड़ लगाने से मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, अब यहाँ बाड़ का मतलब सिर्फ जाली से नहीं है, हम बाड़ लगाएंगे तो मान लीजिए अब कुछ जो भी जमीन पे रेंग के जो चलते हैं, ठीक है, जमीन पर रेंग के जो भी पेस्ट चलते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी रेंगने वाले जो होते हैं, है ना, रेंगने वाले जितने भी कीट होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपने वॉल बना दी, छोटी छोटी दीवारें बना देते हैं खेत के चारों तरफ, उससे क्या होगा कि ये जो रेंगने वाले हैं ये ऊपर नहीं चढ़ेंगे इसके, ठीक है, ये जो है ऊपर नहीं चढ़ेंगे और फिर जो है हमारा मेन फील्ड है या फिर एक फील्ड से दूसरे फील्ड है वहाँ पे नहीं जा पाते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया फेंसिंग। अब फेंसिंग नॉर्मल भी हो सकती है, और आजकल आपने देखा होगा एक इलेक्ट्रिकल फेंसिंग होती है ना, क्या होती है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग होती है। अब इलेक्ट्रिक फेंसिंग का मतलब क्या, इसमें क्या होता है कि लो वोल्टेज का करंट रहता है, इसके अंदर क्या रहता है, लो वोल्टेज करंट रहता है। तो इस करंट की वजह से क्या है, अगर कोई भी पेस्ट इसके नज़दीक आता है, इस फेंस के टच करता है, तो उससे क्या होता है, उसको करंट महसूस होता है, उसके बाद क्या है, फिर वो दोबारा वहाँ पे नहीं आता है, या फिर बात करें धीरे धीरे जैसे जैसे उनको पता लगने जाता है, फिर वो फील्ड जो है वो सेफ हो जाता है। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं आजकल बहुत ज़्यादा, तो इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक फेंसिंग जो यूज होता है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, मेनली जो रेड्स होते हैं, चूहे जो होते हैं, चूहों के लिए क्या है, हम इलेक्ट्रिक फेंसिंग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जैसे पेज जो ब्लू बुल होता है, नील गाय जो होती है, उनके लिए भी यूज़ करते हैं, है ना। तो इन सब के लिए क्या है, हम आवारा पशुओं के लिए, उनके लिए भी क्या है, फेंसिंग यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फेंसिंग। तो ये हो गया सेकेंड, इलेक्ट्रिक फेंसिंग। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे, फिर नेक्स्ट है ट्रेंचिंग। ठीक है, ये हो गया, इसके बाद है ट्रेंचिंग, थर्ड है ट्रेंचिंग। अब ट्रेंचिंग में क्या होगा, ट्रेंचिंग का मतलब क्या होता है, खाई खोदना। ठीक है, यानी कि खाई बनाना। अब खाई बनाएंगे, ट्रेंचिंग खाई बनाएंगे, खाई बनाने का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, हम जो फील्ड जो होता है, हमारा मेन फील्ड जो होता है, उसमें क्या करते हैं, हम ऐसे खाई बना देते हैं। ठीक है, इधर ये फील्ड है अपना, क्रॉप लगी हुई है, इस साइड क्रॉप लगी हुई है। ठीक है, इसके बीच में क्या है, यहाँ पे ये खाई रहती है। अब इस खाई से क्या होगा कि जो भी रेंगने वाले जितने भी कीट होंगे, ठीक है, जो रेंगने वाले जो पेस्ट होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ से अगर रेंगते हुए ऐसे चल के आएंगे तो ये क्या है, इसके अंदर गिर जाएंगे, और इस खाली, इस जो ये भी खाई हमने बनाई है, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, पानी भर देते हैं। अब इसके अंदर पानी भर देंगे तो क्या होगा कि वो इसके अंदर डूब के मर जाएंगे। या फिर क्या है, ऐसे पेस्ट जो क्या है, फ्लाई, प्रॉपर फ्लाई नहीं कर पाते, लेकिन क्या है, जंप करके चलते हैं। ठीक है, जंप करके चलते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, लोकस्ट जो है ना, टिड्डी जो होती है, ये क्या है, बहुत ही, या फिर ग्रास ऑफर जो होते हैं, स्टार्टिंग स्टेज में इसके निम्फ जो होते हैं, एडल्ट तो अच्छे से फ्लाई कर पाते हैं, लेकिन निम्फ जो होते हैं वो नहीं कर पाते। या फिर बात करें जो ग्रास ऑफर है, उसका भी सेम सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसके निम्फ वगैरह जो है वो जंप करते हुए आएंगे, इस खाई की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा रखते हैं, तो इससे क्या होगा, वो इसके अंदर गिरेंगे और मर जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं ट्रेंचिंग। ठीक है, ट्रेंचिंग मेनली यूज़ की जाती है। अब इसके अलावा बात करें और क्या हो सकता है, जो है बैरियर के अंदर, है ना, मैकेनिकल बैरियर पढ़ रहे थे, तो बैरियर में और क्या हो सकता है, तो फोर्थ वन जो होगा, ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है रैपिंग ऑफ फ्रूट्स, रैपिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि अब ऐसे पेस्ट, ठीक है, ऐसे पेस्ट जो क्या है, फ्रूट के ऊपर डैमेज करते हैं। ठीक है, स्पेशली फ्रूट के ऊपर डैमेज करते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, फ्रूट जो होता है उसको ढक देते हैं। रैपिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे कवरिंग से है। ठीक है, रैपिंग का मतलब यहाँ किससे है, कवरिंग से, यानी कि उसको हमें कवर करना है। ठीक है, अब कवरिंग करेंगे, कवर कैसे करेंगे, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है अनार बटरफ्लाई। ठीक है, अनार के अंदर एक बटरफ्लाई लगती है। अब उसकी खासियत क्या होती है, मान लीजिए ये अनार का फ्रूट है, ठीक है, ये अनार का फ्रूट है, तो अब वो बटरफ्लाई जो होती है उसकी खासियत क्या होती है कि वो इसके ऊपर, ठीक है, इसकी जो आउटर स्किन होती है उसके अंदर, है ना, एगलिंग करती है। ठीक है, इसके अंदर एगलिंग करेगी। अब एगलिंग करेगी तो इससे क्या होगा कि इसके बाद इसके जो निम्फ निकल के आते हैं, या बात करें जो कैटरपिलर स्टेज होती है इसकी, वो इसको अंदर ही अंदर से फीड करती रहती है। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम इसको रैपिंग कर देते हैं, यानी कि इसको ढक देते हैं। अब हम इसके बाहर क्या करेंगे, ऐसे एक जाली लगा देंगे। ठीक है, किसी भी सीड से इसको क्या करेंगे, हम फ्रूट जो होते हैं, जो टहनी से लगा होता है, इसको हम ढक देंगे ऐसे, इसके ऊपर हम क्या जाली लगा देंगे। अब इसको हमने कवर कर दिया, ठीक है, रैप कर दिया। अब क्या होगा, ये फ्रूट फ्लाई जो होगी वो इसके अंदर, अब यहाँ तो आ जाएगी, लेकिन इसके फ्रूट की जो स्किन है,
फ्रूट के स्किन तक नहीं पहुंच पाती, या फिर बात करेंगे तो इसके ऊपर वो क्या है, एगलिंग नहीं कर पाती। तो इस कंडीशन में हम इसके जो इसके द्वारा जो हानि होती है या फिर इसके द्वारा जो डैमेज होने वाला है उससे हम आसानी से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रैपिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, अब इसके अलावा बात करें और क्या हो सकता है इसके अंदर, तो और हो सकता है एक चीज़ हो सकती है नेटिंग। ठीक है, क्या फिफ्थ अगर बात करें तो क्या हो सकता है, नेटिंग हो सकती है। अब नेटिंग का मतलब क्या है, नेटिंग का मतलब ही जाल होता है, और फेंसिंग का मतलब तो क्या होता है कि हम कोई भी बैरियर, वो दीवार भी हो सकती है ना, उसको फील्ड के चारों तरफ। नेटिंग में क्या होता है, एक बहुत ही क्या है माइन्यूट, जिसमें बहुत ही छोटे छोटे छेद जो होते हैं, ऐसी जाली हम लगा देते हैं। मेनली जो यूज़ की जाती है ये यूज़ की जाती है जो हमारा ग्रीन हाउस जो होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस जो होता है उस ग्रीन हाउस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। ग्रीन हाउस में क्या करते हैं, हम देखा होगा आपने, एक पतली सी जाली लगी रहती है। अब ये पतली सी जाली होती है, उसकी वजह से क्या होगा, जो भी अगर मच्छर है, मॉस्किटोज वगैरह है ना, या फिर और भी छोटे इंसेक्ट जो है वो उसके अंदर इंटर नहीं हो पाते। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, मॉस्किटो हो सकता है, इसके अलावा मॉस्किटोज है ना, यानी कि मच्छर जो होते हैं वो इसके अंदर इंटर नहीं कर पाते, इसलिए हम क्या करते हैं उसकी नेटिंग कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो क्या है यूज़ होती है, हम यूज़ करते हैं एज ए मैकेनिकल बैरियर। ठीक है, इसके अलावा हम अगर बात करें तो और क्या हो सकता है, इसके अलावा एक चीज़ और देख लो, बैरियर, सैंड बैरियर हो सकता है। फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ नंबर हो जाएगा सैंड बैरियर। अब सैंड बैरियर का मतलब क्या होता है, सैंड का मतलब क्या होता है, मिट्टी। ठीक है, अब मिट्टी से कैसे बैरियर बनाएंगे, तो इसको मेनली जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है स्टोरेज बेस्ट के लिए। ठीक है, स्टोरेज बेस्ट के लिए कैसे, हम क्या करते हैं कि स्टोरेज में जो पेस्ट लगते हैं उनसे बचने के लिए, स्टोरेज में क्या होता है, हम जैसे ही बीजों को रखते हैं भंडार गृह में, उसके बाद उसके ऊपर आके पेस्ट वगैरह जो है वो एगलिंग कर देते हैं और उनकी स्टेज चालू हो जाती है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ग्रेन्स को पहले रखेंगे। ठीक है, ग्रेन्स को रखने के बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर उनको, उसके ऊपर मिट्टी की एक परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, सैंड की अगर हम एक परत चढ़ा देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी पेस्ट होगा वो इन ग्रेन्स तक नहीं पहुंच पाता, डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएगा, तो फिर क्या है उसका डैमेज भी नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए हम ये अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सैंड बैरियर। ये इतने टाइप के बैरियर्स हो सकते हैं जिनके द्वारा हम क्या है इसको रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे हम, अभी हम पढ़ रहे थे मैकेनिकल बैरियर, अब हम पढ़ेंगे फोर्थ जो नंबर है। ठीक है, फोर्थ नंबर है मैकेनिकल ट्रैप्स, यानी कि कौन कौन से ट्रैप हो सकते हैं, जाल हो सकते हैं, जिनके थ्रू हम क्या है इंसेक्ट को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत से आपने सुना होगा नाम, लाइट ट्रैप का नाम सुना होगा, फिरोमोन ट्रैप का, चलिए इनके बारे में पढ़ेंगे हम अभी। तो फर्स्ट अगर बात करें लाइट ट्रैप की, ठीक है, फर्स्ट हो गया लाइट ट्रैप। ठीक है, अब इसमें क्या होता है लाइट ट्रैप में, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लाइट ट्रैप का मतलब क्या होता है, इसको यूज़ किया जाता है जो नॉक्टर्नल हैबिट वाले इंसेक्ट जो होते हैं। ठीक है, कौन से, जो नॉक्टर्नल हैबिट वाले, यानी कि जो क्या है रात्रिचर होते हैं। नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है, रात्रिचर, यानी कि जो रात्रिचर होते हैं या रात के समय जो डैमेज करते हैं इंसेक्ट है ना, उसको क्या बोलते हैं नॉक्टर्नल। तो ये जो है इन पेस्ट से बचने के लिए, या फिर बचने के लिए नहीं, इनको पकड़ने के लिए क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं ये ट्रैप, लाइट ट्रैप। अब इसमें होता क्या है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। सबसे पहले तो क्या है, ऊपर की ओर यहाँ पे एक क्या है कोई भी बल्ब वगैरह लगा रहता है, ठीक है, जिससे लाइट मिलती है। ठीक है, ये ऊपर से कवर रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, नीचे की तरफ यहाँ पे कोई भी पत्थर रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम कोई भी बकेट या पात्र रख देते हैं जिसके अंदर क्या है पानी भरा हुआ रहता है।
पानी भरा रहता है, इसके साथ साथ इसमें क्या है वाटर हो सकता है, हम इसमें क्या है जो मिट्टी का तेल जो होता है कार्पिन ऑयल जो होता है ना, मिट्टी का तेल वो डाल सकते हैं, मिट्टी का तेल हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और क्या हो सकता है मिट्टी का तेल, इसके अलावा जो भी केमिकल्स हैं उनको मारने के लिए, इंसेक्ट को मारने के लिए केमिकल्स यूज़ करते हैं वो हो सकते हैं, जैसे डाइक्लोरोवस हो गया, डाइक्लोरोवस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे ये सब रखेंगे। अब इंसेक्ट जो है रात के समय में फील्ड में क्या करते हैं, हम जो हमारी क्रॉप है उसकी लगभग 1 से 2 फुट ऊपर की गहराई, ऊपर की जो हाइट होती है, ठीक है, यानी कि जहाँ तक हमारी क्रॉप होती है उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको लगा देते हैं। अब क्या होगा, उस क्रॉप के अंदर जितने भी पेस्ट होंगे वो क्या करेंगे, लाइट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब लाइट की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो उस कंडीशन में क्या है वो यहाँ पे इकट्ठा होंगे, ठीक है। अब लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अब अट्रैक्ट होंगे तो वो क्या करेंगे यहाँ पे आना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, इसके पास। अब इसके पास जैसे ही आएंगे तो वो क्या है इससे टकराएंगे, और टकराने के बाद क्या है वो नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। टकराने के बाद वो कहाँ आ जाएंगे, ये जो हमारा बकेट हमने रखा है पात्र जिसके अंदर हमने केमिकल वगैरह ऐड की है, तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आने के बाद वो डेड हो जाता है या मर जाता है, ठीक है। बाकी इसके कौन कौन से, ये जो पूरी संरचना होती है इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं इनके बारे में हम क्या है हमारा जो प्रैक्टिकल वाला है कोर्स उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपको याद रखना है कि लाइट ट्रिप होता क्या है और इससे कैसे हम क्या है कंट्रोल करते हैं। अगर बात करें यूज़ की, तो लाइट ट्रिप जो है मेनली, एक तो मैंने आपको बताया कि नॉक्टर्नल हैबिट वाले जितने भी इंसेक्ट हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, प्लस मेनली क्या है जो लेपिडोप्टेरन ऑर्डर है, ठीक है, लेपिडोप्टेरा जो ऑर्डर है उस लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के जितने भी पेस्ट है वो मोस्टली क्या है नॉक्टर्नल हैबिट के होते हैं, यानी कि जितने भी बटरफ्लाइज या मौत वगैरह है ये क्या है नॉक्टर्नल हैबिट होते हैं, मेनली मौत। तो इनको क्या है हम लाइट की सहायता से पकड़ सकते हैं आसानी से और किल कर सकते हैं। तो ये हो गया लाइट ट्रैप। अब हम बात करें इसके अलावा सेकंड ट्रैप की, जो बात करेंगे लाइट ट्रैप, अब हम बात करेंगे सेकंड हो गया हमारा फिरोमोन ट्रैप, ठीक है, फिरोमोन ट्रैप। अब फिरोमोन ट्रैप में क्या होगा, फिरोमोन ट्रैप भी सेम है लाइट ट्रैप की तरह, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की क्या है स्मेल रहती है। ये जो ट्रैप होते हैं ये किसी भी शेप के हो सकते हैं, ठीक है, कार्ड नुमा भी हो सकते हैं, कार्ड लाइक, इसमें क्या होता है बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। तो ये जो है इसमें क्या होता है एक विशेष प्रकार की एक स्मेल रहती है, और ये स्मेल क्या है इंसेक्ट में नेचुरली होती है। नेचुरल क्या है इंसेक्ट में, मेनली अगर बात करें फीमेल जो इंसेक्ट होती है, फीमेल इंसेक्ट होती है उसके अंदर एक विशेष प्रकार की वो क्या है एक स्मेल जो होती है, या फिर बात करें एक खुशबू जो है वो क्या है अपने आसपास का जो वातावरण है वहाँ पे क्या है उसकी एक स्मेल रहती है। अब क्या होगा उसकी वजह से, ठीक है, उसकी वजह से क्या होते हैं जो मेल इंसेक्ट जो है ना, मेल जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब ये तो नेचुरली हो रहा है, हम क्या है इसको आर्टिफिशियली करते हैं। अब आर्टिफिशियली करने का मतलब क्या है, हम मार्केट से क्या करते हैं लेके आते हैं, मार्केट से हम क्या है आर्टिफिशियल जो भी फिरोमोन ट्रैप है ये लेके आएंगे, इससे क्या होगा मेल अट्रैक्ट होंगे। अब मेल अट्रैक्ट होंगे तो वहाँ पे जहाँ ये इकट्ठे होंगे, वहाँ इकट्ठा होने के बाद हम इनको किसी केमिकल की सहायता से क्या है किल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फिरोमोन ट्रैप। इसमें मेनली, इसमें भी अगर बात करें तो लेपिडोप्टेरा जो ऑर्डर है ना, ये भी क्या है लेपिडोप्टेरा जो ऑर्डर के पेस्ट है उन्हीं को पकड़ने के लिए यूज लिया जाता है, क्योंकि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का जो मस्ट है वो ज़्यादा क्या है इसमें, या फिर बात करें उनकी जो जितनी भी फैमिली, और इसकी खास बात ये हो रहा है कि ये जो फिरोमोन ट्रैप जो होते हैं इसमें क्या होता है हर फैमिली जो होती है या हर स्पीशीज जो होती है उसकी एक अलग ऑर्डर होती है, इसको क्या बोलते हैं ऑर्डर या खुशबू जो भी है, ठीक है, उसकी अलग एक स्मेल होती है। तो उसकी वजह से क्या है सिर्फ उसी फैमिली के या उसी ऑर्डर के जो है वो पेस्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये स्पीसीज विशेष के हिसाब से आते हैं, तो हम क्या है हमें जिस पेस्ट का कंट्रोल करना है उसके अकॉर्डिंग फिरोमोन ट्रैप यूज़ करते हैं और फिर उनको अट्रैक्ट करके हम आसानी से किल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फिरोमोन ट्रैप। अब अगर बात करें इसके अलावा होते हैं स्टिकी ट्रैप, ठीक है, कुछ होते हैं स्टिकी ट्रैप। थर्ड वन की अगर बात करें
स्टिकी या इनको बोल देते हैं एडेसिव, ठीक है, एडेसिव ट्रैप, एडेसिव ट्रैप्स या फिर इनको भी स्टिकी भी बोल देते हैं, चिपचिपे, क्योंकि क्या होते हैं ये, क्या है, चिपचिपे होते हैं। अब चिपचिपे होने का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि हम क्या करते हैं, कुछ जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एक फिक्स कलर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊँ तो जो वाइट फ्लाई जो होती है, कॉटन की वाइट फ्लाई होगी या फिर एफिड हो गया, थ्रिप्स हो गया, तो ये क्या होते हैं, ये येलो कलर को प्रेफर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि वाइट फ्लाई होगी या फिर बात करें जो एफिड हो गया, थ्रिप्स हो गया, ये क्या करते हैं, ये जो येलो कलर जो होता है, ठीक है, येलो कलर जो होता है ये येलो कलर को प्रेफर करते हैं, ठीक है, येलो कलर को प्रेफर करेंगे तो हम क्या करते हैं इसके लिए येलो स्टिकी ट्रैप यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि हम क्या है, वो कलर उसका येलो रखेंगे लेकिन उसके ऊपर क्या है, यानी कि कोई भी येलो कलर का एक कार्ड लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या करते हैं हम गम लगा देते हैं, ठीक है, यानी कि एडहेसिव कोई भी चिपचिपा पदार्थ हम उसके ऊपर लगा देंगे। अब क्या होगा, ये जैसे ही अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होके और उसके ऊपर आएंगे, यानी कि जो येलो कलर है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, अब अट्रैक्ट होंगे तो वहाँ पर क्या है, वो आसानी से चिपक जाते हैं, ठीक है। अब चिपक जाएंगे और वहाँ से हट नहीं पाते क्योंकि वो एडेसिव चिपचिपा होता है, तो इनकी लेग्स वगैरह चिपक जाती है और फिर उनको क्या है कि केमिकल के सहायता से उसको स्प्रे करके उसको किल कर सकते हैं, ठीक है, तो इनको बोलते हैं स्टिकी या एडेसिव ट्रैप, ठीक है। अब क्योंकि देखा होगा आपने एफिड को, तो बहुत बार अगर आप देखना जब भी कॉटन का सीज़न जैसे अभी हो, तो आप येलो कलर की टी शर्ट वगैरह कुछ पहन के जब भी फील्ड के अंदर यानी जाओगे, तब आप देखोगे कि आपका आपने जो भी मतलब टी शर्ट वगैरह पहन रखी है उसके ऊपर बहुत सारे एफिड चिपक जाते हैं, क्योंकि वो प्रेफर करते हैं येलो कलर को, ठीक है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से क्या है, जो ब्लू स्टिकी ट्रैप भी आते हैं, कुछ पेस्ट जो होते हैं वाइट फ्लाई ब्लू को भी क्या है अट्रैक्ट होती है ब्लू की तरफ भी, तो ऐसे ही हम क्या है अलग अलग जो है यूज़ करके और इनको किल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्टिकी ट्रैप। अब अगर बात करें इसके बाद एक होता है ट्रैप्स की बात करें तो अब है एक फिश मील ट्रैप, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फोर्थ क्या हो सकता है, तो वो है फिश मील ट्रैप। अब फिश मील ट्रैप का मतलब क्या होता है, जैसा कि फिश नाम से ही पता चल रहा है, तो मछली का यानी कि मछली की जो खाद होती है, मछली का जो बुरादा या मछली की जो चूर्ण होती है, उसको यूज़ करते हैं हम ट्रैप के रूप में। और ये मेनली यूज होता है किसके लिए, जो सोरगम की सूट फ्लाई जो होती है, ठीक है, सोरगम की सूट फ्लाई जो होती है, सोरगम के अंदर एक पेस्ट लगता है सूट फ्लाई। अब ये सूट फ्लाई जो है इसके लिए यूज़ किया जाता है, इसको अट्रैक्ट करने के लिए। अब ये कैसे काम करता है, इसका क्या रोल क्या होता है या क्या सिस्टम होता है, मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, सोइल के अंदर मान लीजिए ये लेयर है, ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ज़मीन में यहाँ पे क्या है, एक इस प्रकार से पॉलीथीन की एक गड्ढा बनाते हैं, उसके अंदर एक पॉलीथीन रखते हैं, इस प्रकार से ऊपर से ओपन रहता है ये, ठीक है, ऊपर से क्या है ये ओपन रहता है, यहाँ से क्या करेगा ये ओपन रहेगा, ठीक है, यहाँ से ओपन रहेगा। अब ये क्या है कि ये पॉलीथीन जो है इसके अंदर हम ये क्या है, यहाँ तक मान लीजिए आपने पानी भर दिया, पानी के साथ इसमें क्या है जो फिश मील ट्रैप है यानी फिश की जो भी खाद या चूर्ण वगैरह है वो डाल दिया। अब इसकी जो ऑर्डर जो होती है, ठीक है, इसकी जो स्मेल खुशबू जो होती है, उससे क्या होगा, ये सूट फ्लाई अट्रैक्ट होती है, ठीक है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ के, यानी कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप जाओगे, आसपास के जो प्लांट होते हैं, यहाँ पे जो प्लांट लग रहे हैं इसके आसपास, है ना, तो वहाँ पे क्या है, आप देखोगे कि बहुत अधिक मात्रा में आपको सूट फ्लाई देखने को मिल जाती है इन प्लांट्स के ऊपर। तो हम क्या करते हैं फिर अर्ली मॉर्निंग इनको स्वीप नेट की सहायता से पकड़ सकते हैं या फिर किसी केमिकल के स्प्रे द्वारा इनको किल कर सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं फिश मील ट्रैप और मेनली सोरगम के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो और क्या हो सकता है, एक होता है पिटफॉल, ठीक है,
एक होगा पिटफॉल ट्रैप, ठीक है। अब पिटफॉल ट्रैप में क्या होगा, इसमें क्या करते हैं हम, जो भी रैंक के चलने वाले या फिर बात करें ज़मीन के ऊपर जो ज़मीन के सहारे चलते हैं, उन पेस्ट को पकड़ने के लिए काम में लेते हैं पिटफॉल ट्रैप। इसमें भी सेम सिस्टम होता है, इसमें तो मछली का जैसे चूरा हमने भरा था, उसमें क्या नॉर्मली गड्ढे बना देते हैं, उसके अंदर कोई कंटेनर वगैरह लगा देते हैं, ठीक है, पात्र वगैरह, उसको हल्का सा कवर कर देते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही अब इसमें क्या है, जो ग्राउंड बीटल होते हैं मेनली ये यूज़ होता है, जो लेपिडोप्टेरन जो पेस्ट है, ठीक है, सॉरी कोलियोप्टेरा में, कोलियोप्टेरा जो ऑर्डर है उसके अंदर क्या है, कोलियोप्टेरा में ग्राउंड बीटल जो है, ठीक है, यानी कि ग्राउंड्स पे जो रहते हैं, ग्राउंड बीटल जो है कैरेबिडी फैमिली। अब ये ग्राउंड बीटल क्या होंगे, ये इस पे जैसे ही क्या है ऐसे रेंगते हुए चलते हैं, और फिर ये जो गड्ढा हमने बना रखा है जहाँ पे कुछ पात्र हमने इनको कलेक्ट करने के लिए लगा रखा है, वो इसके अंदर गिर जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम इनको पकड़ सकते हैं जो ज़मीन पे रेंगते हुए चलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पिटफॉल ट्रैप। पिट का मतलब क्या होता है, गड्ढा, है ना, गड्ढा बनाना। अब इसके अलावा बात करें तो और क्या हो सकता है, एक होता है प्रोब ट्रैप, ठीक, पिटफॉल हो गया, इसके अलावा एक होता है प्रोब ट्रैप, प्रोब ट्रैप। अब प्रोब ट्रैप क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है मेनली जो सोइल ड्वेलिंग यानी कि मृदा के अंदर जो रहने वाले पेस्ट हैं, या फिर बात करें स्टोरेज के अंदर, स्टोरेज में जो पेस्ट लगते हैं, ठीक है, यानी कि स्टोरेज वाले या फिर सोइल ड्वेलिंग यानी सोइल के अंदर जो रहते हैं, इनको क्या करते हैं, ये किस प्रकार का होता है मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। इस प्रकार का ये होता है, ठीक है, इस प्रकार का ये होता है पेस्ट, ये जो है यंत्र, इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये जाली होती है जिसके अंदर बहुत सारे क्या रहते हैं, होल्स रहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे क्या है, छेद बने हुए रहते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो है इसको पकड़ के हम जो ग्रेन्स जो होते हैं, ग्रेन्स के अंदर ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे जाली नहीं होती है, ये क्या होता है, कवर होता है पूरा, ठीक है, ये कवर होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अब जैसे ही हम इसको, अब मैं बता देता हूँ आपको इसको यूज़ कैसे करते हैं। अब जो भी हमारे ग्रेन्स हैं, मान लीजिए ग्रेन की कोई बोरी है, अब हम उसके अंदर हमने क्या है ग्रेन स्टोरेज करके हमें पता है इसके अंदर क्या पेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और इसका थर्ड फोर्थ यानी कि यहाँ तक का जो भाग है इसको उसके अंदर लगा देंगे, ठीक है, इतना भाग बाहर रखेंगे। अब क्या है, जो भी पेस्ट होंगे इसके अंदर ग्रेन्स के अंदर, यहाँ आसपास क्या है ग्रेन्स हैं भरे हुए, है ना, आसपास ग्रेन्स भरे हुए हैं यहाँ तक। अब ये ग्रेन्स क्या करेंगे, इनके अंदर जो भी इंसेक्ट है वो इन यहाँ पे होल रहते हैं हर जगह, मैंने अभी आपको बताया इस पे क्या है होल ही होल होते हैं चारों तरफ, तो वो इनकी सहायता से क्या इसके अंदर ग्रेन इसके अंदर नहीं जा पाता, लेकिन पेस्ट का साइज छोटा होता है तो इसके अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, फिर यहाँ से हम उनको क्या है इसको निकाल लेते हैं और फिर इनको किल कर देते हैं, इसको बोलते हैं प्रोब ट्रैप। सेम सिचुएशन सोइल के अंदर होती है, ऐसे ही इसको हम क्या है सोइल के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके अलावा बात करें तो एक होता है बाइट ट्रैप, ठीक है, एक होता है बाइट ट्रैप। अब बाइट ट्रैप का मतलब क्या होता है, ठीक है, बाइट ट्रैप, अब बाइट ट्रैप, बाइट का मतलब क्या होता है, भोजन से होता है, ठीक है। अब तो सीधी सी बात है, किसी यानी पेस्ट को ललचा के हम क्या करते हैं, अब कोई भी पेस्ट है उसका जो फेवरेट जो यानी कि वो जिस चीज़ को प्रेफर करता है खाने के लिए, हम क्या करते हैं उस चीज़ को उसके सामने पहले से ही रख देते हैं, ठीक है, हम उसको पहले से ही वो खाने के लिए देंगे, लेकिन उसके अंदर हम क्या है कुछ मिक्स कर देंगे कुछ केमिकल्स वगैरह जिससे क्या है उसको खा के मर जाए। मेनली क्या है जो चूहे वगैरह होते हैं घर में उनको पकड़ने के लिए, रेड्स को पकड़ने के लिए क्या है हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया बाइट ट्रैप क्या है। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा एक होता है हॉपर डोजर नाम से, ठीक है, एक होता है हॉपर डोजर नाम से, हॉपर
डोजर, इसको क्या है, ये यंत्र है, ये साइज में भी थोड़ा बड़ा होता है। इसको चलाने के लिए क्या है, ट्रैक्टर वगैरह या बैलगाड़ी या ह्यूमन बींग की आवश्यकता पड़ती है, मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है। तो इसकी सहायता से क्या है, इंसेक्ट को पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है। और मेनली जो है इसको अगर बात करें, सक्सेसफुली यूज़ किया गया है पंजाब के अंदर, जो शुगर केन पायरीला है। शुगर केन के अंदर एक पेस्ट लगता है, शुगर केन पायरीला। तो ये शुगर केन पायरीला जो है, इसको पकड़ने के लिए क्या है, इसको सक्सेसफुली यूज़ किया गया है। तो इसको ये क्या बोलते हैं, इसको होपर डोजर, ठीक है। ऐसे और भी पेस्ट हो सकते हैं। तो ये हो गया आपके जितने भी मैकेनिकल ट्रेप्स हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है, तो और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक एक करके। तो अब बात करें नेक्स्ट, अगर तो अब कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन क्या है, हम यूज़ करके उनके द्वारा इंसेक्ट को पकड़ सकते हैं। अब फर्स्ट अगर बात करें तो जैसे हो गया सीविंग, सीविंग एंड विनोविंग, सीविंग एंड विनोविंग। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सीविंग का मतलब क्या होता है और विनोविंग क्या होता है। तो सीविंग का मतलब तो क्या होता है, छानना, छानना। सीव क्या होती है, छलनी, जो घरों में हमें छलनी जो यूज़ करते हैं हम, वो पानी के लिए हो या आटा छानने के लिए, जो भी वो क्या होती है, उसको सीव यानी जिसके अंदर जाली लगी हुई रहती है, तो छलनी होगी। इसका मतलब क्या होता है, छानना। और विनोइंग का मतलब क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, एयर करंट पास करते हैं, ठीक है, एयर करंट को पास करते हैं जो भी ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर से, ठीक है। तो अब सीविंग में क्या होगा कि छानने के मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, इसको जो मेनली यूज़ लिया जाता है, अगर एग्जांपल की बात करें तो इसके लिए इसको यूज़ करते हैं जो रेड रस्ट फ्लोर बीटल है, रेड रस्ट फ्लोर बीटल जो है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या है, इसको काम में लेते हैं। अब रेड रस्ट फ्लोर बीटल यानी कि इल्ली जो होती है, घरों में सुना होगा आपने इल्ली, अब इल्ली पड़ जाती है आटे में, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, या तो उसको धूप में रखते हैं, धूप में रखने के बाद भी हम क्या करते हैं, अगर कोई उसका बात करें निम्फ या एडल्ट स्टेज उसके अंदर बची हुई है, या फिर उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको छलनी से छान लेते हैं ना। अब छलनी से छान लेंगे तो छानने से क्या होगा, इसके जो पेस्ट वगैरह है या फिर बात करें ये जो पेस्ट तो ऊपर रह जाता है और आटा छन जाता है। तो सीविंग यूज़ कर सकते हैं, ये भी क्या है, मैकेनिकल है, यंत्री हुआ एक। अब विनोविंग में क्या होता है कि जो स्टोरेज वाले जो पेस्ट होते हैं, ठीक है, स्टोर गृह के अंदर हम जो पेस्ट रखते हैं उनमें क्या करते हैं, एक जो है कम वोल्टेज का करंट पास करते हैं, ठीक है। अब करंट, एयर करंट पास करेंगे, एयर करंट पास करेंगे तो उससे क्या है, जो पेस्ट है वो वहाँ से निकल के या फिर वहाँ से हट जाते हैं, ठीक है। तो ये यूज़ कर सकते हैं, और ये यूज़ किया जाता है अगर बात करें एग्जांपल के लिए, तो ये यूज़ लेते हैं राइस वीविल के लिए, स्टोरेज पेस्ट है ये भी, राइस वीविल, इसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ लेते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, जिनकी जिनकी सहायता से क्या है, हम पेस्ट वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक चीज़ होती है रोप को पास करना, ठीक है, क्या चीज़ है, पासिंग रोप। अब पासिंग रोप का मतलब क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, रोप को पास करते हैं, यानी कि एक लोहे का बना हुआ एक रोप या छड़ी नुमा संरचना होती है, इसको हम क्या करते हैं, पास करते हैं। और मेनली जो इसको यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है राइस फील्ड के अंदर। राइस में क्या होता है, एक पेस्ट लगता है राइस के अंदर, राइस केसवर्म, ठीक है, राइस केसवर्म। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, हम यूज़ लेते हैं। अब राइस केसवर्म में क्या होता है, ये जो पेस्ट होता है ये एक जाली बनाता है, ठीक है, ये क्या करता है, जाल नुमा संरचना बनाता है, यानी लीव्स को आपस में क्या होता है, जोड़ देता है, उसके ऊपर जाली बना देता है, जाल नुमा संरचना। तो इससे क्या होगा, अब इसको हटाने के लिए यानी कि इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर से एक रोप यानी कि आयरन की जो लोहे की जो छड़ होती है उसको पास करते हैं, इससे क्या होगा, ये अलग हो जाते हैं या डिलोज हो जाते हैं। तो इनको डिलोज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इस रोप को पास करते हैं इसके अंदर से। तो ये हो गया, और इसके अंदर और क्या चीज़ हो सकती है, एक होता है हुक, ठीक है,
ये तो रोप हो गया, ऐसे ही हम क्या करते हैं आयरन हुक का यूज़ करते हैं, ठीक है, हुक। अब आयरन हुक को यूज़ करते हैं, पास करते हैं। अब इसको यूज़ करते हैं किसके लिए, कि कोकोनट जो क्रॉप होती है, कोकोनट के अंदर क्या होता है, एक बीटल लगता है, बड़े साइज़ का, लार्ज साइज़ का इंसेक्ट होता है, राइनोसेरस बीटल, ठीक है, राइनो राइनोसेरस बीटल, ठीक है। अब ये जो राइनोसोरस बीटल है, इसको मारने के लिए इसमें क्या होता है कि ये जो बीटल है, ये जो ट्री ट्रंक जो होता है, यानी कि उसका जो स्टेम जो होता है, तना होता है, उसके अंदर बड़े बड़े होल्स दिख जाते हैं, आसानी से उसमें छेद करके वो अंदर घुस जाता है, काफ़ी बड़े साइज़ का इंसेक्ट होता है। तो इनको मारने के लिए हम क्या करते हैं, आयरन का जो हुक होते हैं, आयरन के हुक बना के उनको, जो भी इनके द्वारा बनाए हुए होल्स होते हैं, उसके अंदर क्या है, हम उसको अंदर ही अंदर क्या है, कोशिश करते हैं कि उसको मार सकें, ठीक है। तो आयरन हुक का यूज़ किया जाता है उसको मारने के लिए, ये हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे हो गया कॉम्बिंग, नेक्स्ट अगर बात करें तो एक चीज़ हो सकती है कॉम्बिंग, ठीक है, नेक्स्ट हो गया कॉम्बिंग। अब कॉम्बिंग का मतलब क्या होता है, कॉम्ब का मतलब क्या होता है, जो कंघी हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉम का मतलब क्या होता है, जो कंघी यूज़ करते हैं बालों के लिए, और मोस्टली ये यूज़ भी इसीलिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हेड लूज जो होती हैड लूज, ये पेस्टी होता हैड लूज भी, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, जूं। तो हेड लूज को अलग करने के लिए, डिलोज करने के लिए हम क्या है यूज़ करते हैं कंघी का, इसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है, कॉम्बिंग, यानी कॉम्ब्स का यूज़ किया जाता है हेड लूज को अलग करने के लिए, बालों के लिए। तो ये भी क्या है, एक मैकेनिकल ट्रैप ही है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो और क्या हो सकता है, इसके अलावा होते हैं एंटोलेटर्स, ठीक है, एक चीज़ होती है एंटोलेटर्स, ये भी मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। अब एंटोलेटर्स क्या होती है, एक ऐसी डिवाइसेस होती है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो सकती है या मैकेनिकल फोर्स से। तो ये क्या होती है, इसके द्वारा क्या है, सेंट्रीफ्यूग प्रेशर प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूग जो है, सेंट्रीफ्यूग बल लगता है, इसके द्वारा क्या है, सेंट्रीफ्यूग बल लगता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, सेंट्रीफ्यूग जो है बल लगेगा, इससे क्या होगा कि जो सबसे पहले तो बताते हैं कि ये यूज़ कहाँ होता है, ये यूज़ किया जाता है स्टोरेज पेस्ट में, मेनली स्टोरेज पेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। और कब यूज़ किया जाता है, जब पूरे ग्रेन्स क्या इफेक्टेड नहीं है, ठीक है, यानी कि कुछ पार्ट जो है, सम पार्ट जो है, यानी कि कुछ सीड जो है वो क्या है, इन्फेस्टेड है, इन्फेस्टेड है, या उनके ऊपर जो है कीट वगैरह लग चुके हैं। अब इनको अलग करने के लिए, इनको सेफ ग्रेन्स जो होते हैं उनसे अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटोलेटर्स का यूज़ कर देते हैं। ये डिवाइस क्या होती है, ये सेंट्रीफ्यूग क्या है, प्रेशर प्रोड्यूस करेगी। सेंट्रीफ्यूग प्रेशर से क्या होगा कि जो हल्के जो भी सीड्स वगैरह हैं वो क्या है, बाहर की तरफ फेंक दिए जाएंगे, और जो भारी भारी यानी कि जो सेफ, जो या बात करें स्वस्थ बीज जो है वो बीच में रह जाते हैं। तो इससे क्या होगा, आसपास के जो भी ग्रेन्स हैं उनको अलग कर लेते हैं, उनको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है, तो ये सब हो गया आपका मैकेनिकल प्रेशर के अंदर, ठीक है, सॉरी मैकेनिकल जो है कंट्रोल के अंदर, यानी कि कौन कौन से टेक्निक्स हैं या फिर कौन कौन से यंत्र हैं जिनको यूज़ करके हम इनको फैलने से रोक सकते हैं, या फिर इनको आगे बढ़ने से, सॉरी फैलने से हो गया, या फिर क्या है इनको लगने से, यानी कि जैसे ट्री बेंडिंग हो गया, जिससे क्या है उसके ऊपर ही नहीं जाएगा, या फिर फ्रूट की रैपिंग हो गई, ठीक है, तो उस तक पहुंचने से भी क्या है हम उसको रोक सकते हैं। तो ये हो गया मैकेनिकल। इसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी जो भी होगी उसके अंदर हम फिजिकल कंट्रोल के बारे में, फिर एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। IPM टूल्स थी, फर्स्ट हो गई आपकी कल्चरल कंट्रोल, और सेकेंड है ये आज मैकेनिकल कंट्रोल। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।